जय श्री राम। आज का विषय है मथुरा। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरापुरी की गिनती सप्तपुरियों में की जाती है। पूर्व काल में यहाँ पर मधु दैत्य निवास करता था। भगवान शिव की तपस्या से उसने एक दिव्य शूल प्राप्त कर लिया था। वह शूल जब तक उसके पास रहेगा तब तक कोई उसे मार न सकेगा। उस दैत्य ने अपने निवास के लिए मधुवन बनाया। तेजस्वी मधु ने रावण की मौसेरी बहन कुंभनिसी का अपहरण कर ब्याह किया, जिससे प्रतापी लवण नामक पुत्र पैदा हुआ। मधु नामक दैत्य को बसाने के कारण इस नगरी का नाम मधुपुरी पड़ा। उसी को आगे चलकर मथुरा कहा गया, मधुरा कहा गया, और अब उसे मथुरा कहते हैं। मधु की पुत्री मधुवती का विवाह अयोध्या के राजा हरियश्व के साथ हुआ। बड़े भाई द्वारा राज्य से निष्कासित कर देने के बाद मधु ने अपना विशाल राज्य, जिसकी सीमाएं अरब सागर तक थी, हरियश्व को दे दिया और अपने पुत्र लवण को उसका सहयोगी बना दिया। हरियश्व का ही पुत्र यदु हुआ, जिसके वंशज यादव कहलाए। त्रेता युग में सिंहासीन भगवान श्रीराम से ऋषि मुनियों ने कहा कि मधुपुरी में मधु दैत्य का तेजस्वी और अति दुष्ट पुत्र लवणासुर, जिसने अनुष्ठान द्वारा विशेष अस्त्र व वरदान भगवान शिव से प्राप्त कर लिया है, वह जगत के प्राणियों पर नाना प्रकार के अत्याचार कर रहा है। वह अपनी दुष्टता से ऋषि मुनियों, साधु संत सभी को प्रताड़ित कर रहा है। उसके अत्याचार से धरा कांप उठी है। प्रभु, उस दुर्दांत दानव से हमें मुक्ति दिलाइए। आश्वासन दे ऋषि मुनियों को विदा कर श्रीराम जी ने अपने छोटे भाई शत्रुघ्न जाके सुमिरन ते रिपु नासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा शत्रुघ्न को बुलाकर आदेश दिया कि मधुपुरी के अत्याचारी लवणासुर को उसके क्रूर कर्मों पर कठोर दंड दो। तदनुरूप शत्रुघ्न ने चतुरंगिणी सेना तैयार कर मधुपुरी पर चढ़ाई करने हेतु चलने से पूर्व जगत वंदनीय प्रभु श्रीराम से चलने की अनुमति मांगी। तब प्रभु ने अपने तर्कश से निकालकर एक ऐसा बाण दिया जिसे उन्होंने रावण से युद्ध करने में भी प्रयुक्त नहीं किया था। अर्धचंद्राकार बसी मधुपुरी में शत्रुघ्न ने चढ़ाई कर कौशलपूर्वक पराक्रमी लवणासुर का वध कर दिया। पश्चात शत्रुघ्न ने मधुपुरी का निर्माण कराकर 12 वर्षों तक वहीं रहे। बाद में वह अयोध्यापुरी आ गए। मथुरापुरी देवनिर्मित मानी जाती है। कहावत है, तीन लोक से मथुरा न्यारी। अयोध्या में जब कुश का राज्य था तब मथुरा में यादव श्रेष्ठ अंधक का राज्य था। इसी वंश में द्वापर में उग्रसेन और उनका पुत्र कंस पैदा हो गए। यादवों में के ही दूसरे वंश में सूर्यसेन के पुत्र वसुदेव और पुत्र भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए। इनकी राजधानी शौरपुर यानी वटेश्वर थी। अपने पिता को कैद में डालने वाले अत्याचारी कंस को मथुरा की जेल में जन्म लेने वाले भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी के साथ मिलकर मार डाला और उसके पिता उग्रसेन को राजा बनाया। 20 योजन यानी 84 कोस में बसा क्षेत्र ब्रजमंडल कहा गया है। मथुरा उसकी राजधानी है। इत बरहद उत सोनहद सूरसेन उत ग्राम ब्रज 84 कोस में मथुरा मंडल धाम। भारत माता की जय।